मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत सबसे पहले मौसम के ताजा हाल से करते हैं। एमपी में लगातार 90 दिन मौसम का मिजाज बदलेगा। जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 12 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, दिन के टेम्परेचर में, तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। 7 दिन बाद एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जो कि प्रदेश में कई जिलों में बारिश करवाएगा। जबलपुर मंडला समेत कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलेगा। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, बैतूल, दतिया और भिंड में भी बारिश हो सकती है। तो भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिनों से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ओलावृष्टि और बारिश का दौर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ 2 दिन से मौसम साफ है और अब एक बार फिर से बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जो प्रदेश में फिर बारिश करवाएगा। चलिए सीधे रुख करते हैं रंजना दुबे, इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई। रंजना, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा? अजय, मौसम में जो बदलाव है उसको लेकर जो मौसम विभाग, इन्होंने 16 अप्रैल तक जो समय है वो निर्धारित किया था कि सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में 16 अप्रैल तक जो मौसम है वो बदला हुआ रहेगा। और आज भी 11 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश और बादल छाए रहने को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया है, और इन जिलों में हल्की हल्की जो बारिश है वो भी आज हो सकती है। लेकिन इसके बाद लगातार जो मौसम है उसमें फिर से जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तापमान है उसमें अब लगातार जो इजाफा है वो होने लगा है। और रतलाम एक ऐसा जिला रहा जहां पर इतने मौसम बदलने के बाद भी जो पारा है वो 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो एक तरफ जहां कुछ जिलों में बारिश और आंधी और तूफान को लेकर जो अलर्ट है जारी किया गया है, वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जो है जहां पर अब तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी है वो हो रही, यानी सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और कल के बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा और तापमान में इजाफा होने के साथ लोगों को अब तेज गर्मी का जो एहसास है वो होने वाला है। शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इसी के साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी। भीषण गर्मी का दौर इसी के साथ शुरू हो जाएगा।